2013 में मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ खर्च किए थे इस प्लेयर पर, लेकिन वो पूरे सीजन में 60 रन भी नहीं बना पाए। चलो ये तो मामूली सी रकम थी, उन प्लेयर्स का क्या जिस पर टीम अपना 30-40% बजट उड़ा देती है। जहां 2008 में 9.5 करोड़ में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बिका था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 25 करोड़ के आसपास है। बट क्या सब चल पाते हैं? तो आज बात करेंगे 10 ऐसे प्लेयर्स की जो IPL में अपना प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं कर पाए। वैसे तो 2014 मेगा ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर युवराज सिंह थे, लेकिन ये प्लेयर भी कुछ खास सस्ते पड़े नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश कार्तिक की, जिनको 12.5 करोड़ में साइन करने के बाद DC सेलेक्टर्स चैन से तो नहीं सोए होंगे। दिल्ली ने 12 करोड़ एक ऐसे प्लेयर पे खर्च किए जिनके पुराने IPL सीजन में एवरेज ना तो 40 की थी और ना ही स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर। 2013 IPL में इन्होंने 510 रन बनाए थे, लेकिन ये 19 मैचेस खेलने के बाद है, मतलब 28 से भी कम की एवरेज। उससे एक साल पहले तो और भी बुरे हाल थे, जिसमें कार्तिक 18 की एवरेज से खेले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2014 एक मेगा ऑप्शन था, तो दिल्ली के पास एक डिपेंडेबल बैट्समैन कम विकेटकीपर के बहुत ऑप्शन थे, बट दे चोज कार्तिक। उस साल DC की परफॉर्मेंस सबसे बेकार थी, पॉइंट्स टेबल में लास्ट फिनिश करके DC ने अगले साल कार्तिक को रिटेन नहीं किया। और करते भी क्यों, ये एक्सपेरिमेंट इतना एक्सपेंसिव जो पड़ गया क्योंकि कार्तिक ने 2014 IPL में 23 की सब पर एवरेज से रन बनाए थे। भाई 12 करोड़ में इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती ही होगी। जहां कार्तिक की फॉर्म एवरेज थी, वही हमारा अगला प्लेयर तो कैंसर को बीट करके आया था। मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की, जिन्हें दिल्ली ने 16 करोड़ में खरीदा था, एंड ये उस साल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी रहे थे। हालांकि 2015 की शुरुआत तक युवराज इंडियन टीम में एक गो टू प्लेयर नहीं थे, बट 2014 की बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण दिल्ली टुक अ बेट ऑन दिस ऑलराउंडर। युवराज ने 2014 में 376 रन बनाए थे 135 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 हाफ सेंचुरीज एंड 83 का हाई स्कोर भी शामिल था। बॉलिंग में भी 8 रन की इकोनॉमी के साथ युवराज ने RCB 5 विकेट चटकाए थे। ऑक्शन में युवराज के लिए दिल्ली ने RCB को काफी टक्कर दी थी, लेकिन खराब फॉर्म के चलते दिल्ली ने एक ही साल में युवराज को रिलीज कर दिया। उस साल UV ने 14 मैचेस में 248 रन ही बनाए थे, और वो भी 118 की मामूली सी स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग में भी युवराज दिल्ली के लिए कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि 14 मैचेस में उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 9 ओवर डाले थे, जिसमें उन्हें सिर्फ एक ही सफलता मिली। 2014 के कंपैरिजन में दिल्ली ने 7 पॉइंट ज्यादा स्कोर तो किए, लेकिन फिर भी वो लास्ट ही थे। 2016 के वर्स्ट IPL बाय ने तो हेडलाइंस ही बना दी थी, एंड सब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्यों। अपने गलतियों से ना सीखते हुए DC ने लगातार तीसरी बार 2016 में सबको चौंका दिया था, जब उन्होंने 8.5 करोड़ खर्च किए ऑन अ लेफ्ट आर्म स्पिन बोलर। सबको लगा कि शायद DC के पास कोई स्पिन बोलर नहीं है, बट उन्होंने ऑलरेडी अमित मिश्रा, इमरान ताहिर एंड शहबाज नदीम को खरीद लिया था। फिर लोगों को लगा शायद पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अगर 2012 से 2015 के स्टैट्स देखो, तो इन्होंने कुल मिलाकर 4 सालों में 21 मैचेस में बॉलिंग कराई है, जिनमें उन्हें सिर्फ 13 सफलताएं मिली है। ये एक सीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4 साल। फिर लगा क्या पता बैटिंग बढ़िया करते हो, तो पता चला 2 साल से तो उन्होंने बैटिंग ही नहीं करी, एंड तब तक 2012 से लेकर 2015 तक इनका एवरेज 16-17 का ही था। जब तक ये गलती दिल्ली को पता चलती, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। नेगी स्कोर टोटल ऑफ 57 रन, एंड बॉलिंग में भी 8 मैचेस में इन्होंने पूरी 1 विकेट ली। ऑब्वियसली इसमें कोई दोराह नहीं है कि 2016 के एंड में DC ने उन्हें रिलीज कर दिया था। जहां नेगी एक अनकैप्ड प्लेयर थे, वहीं हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो IPL से 2 महीने पहले इंडियन पिचेस पर आग लगा के गया था। मैं बात कर रहा हूं टाइमल मिल्स की, जो 2017 की शुरुआत में ठीक IPL ऑक्शन से 20 दिन पहले इन्होंने इंडिया की हाई स्कोरिंग पिचेस पर इंडियन बैट्समैन को काफी परेशान किया था। इन 3 T20I मैचेस मिल्स ने इंडिया के अगेंस्ट 7.8 की इकोनॉमी बरकरार रखी थी। इससे पहले भी 2016 में मिल्स ने 24 T20 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 30 विकेट्स एंड 7.2 की इकोनॉमी मेंटेन करके रखी थी, जिसकी वजह से उनको डेथ स्पेशलिस्ट भी कहा जाने लगा। बट IPL में तो वो भी फुस हो गए। RCB बॉट मिल्स फॉर 12 करोड़ इन 2017, जहां काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए मिल्स ने सिर्फ 5 विकेट्स ली 5 मैचेस में, वो भी 8.5 की इकोनॉमी के साथ। तो सेफ टू से वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाए, ना ही RCB के लिए और ना ही IPL के लिए, क्योंकि उसके बाद वो सीधा 2022 में IPL खेले हैं। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की, जिसको पंजाब ने उसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी के लिए खरीदा था, बट उसने पूरे सीजन में 1 छक्का तक नहीं लगाया। अगर पता लग गया है तो कमेंट करके बताओ, बट उससे पहले देखते हैं 2018 IPL की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। इस प्लेयर के लिए SRH ने 2018 मेगा ऑक्शन में खूब मेहनत करी थी। अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने के चक्कर में हैदराबाद ने मनीष पांडे के लिए 11 करोड़ दिए। मजे की बात यह है कि इतने में तो KL राहुल आ जाते। हालांकि 2017 का IPL मनीष के लिए काफी फायदेमंद रहा था, क्योंकि उन्होंने करीबन 400 रन बनाए थे
विद एन एवरेज ऑफ 49.5 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 130। 2017 में स्टार प्लेयर रह चुके मनीष 2018 में SRH के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। उन्होंने 15 मैचेस खेलकर सिर्फ 284 रन बनाए, वो भी 25 की मामूली सी एवरेज के साथ। अभी तक ये SRH के लिए 4 सीजन्स एंड 51 मैच खेल चुके हैं, बट किसी भी सीजन में वो अपनी प्राइस जस्टिफाई कर नहीं पाए हैं। फनी इनफ, इन्होंने 2008 से लेकर 2024 तक सारे IPL खेले हैं, बट मनीष ना तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर रह पाए हैं और ना ही किसी टीम में अपने लिए जगह बना पाए हैं। इसलिए इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये IPL की 8 टीमों में खेल चुके हैं। लास्ट ईयर DC में शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद मनीष 2024 IPL KKR की तरफ से खेलेंगे। अगले प्लेयर ने तो सेम टीम को 3 बार चूना लगाया। मैं बात कर रहा हूँ जयदेव उनादकट की, जिन्होंने 2017 में अपनी क्रेजी परफॉर्मेंस की वजह से 2018 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने जयदेव को 11.5 करोड़ में खरीदा था। लेकिन 2018 में अपनी पूर्व परफॉर्मेंस की वजह से जयदेव ने राजस्थान को काफी निराश करा। उस सीजन 15 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट लेने वाले जयदेव राजस्थान के लिए काफी महंगे साबित हुए। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो 2018 में इन्होंने 9.6 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करी थी एज कम्पेयर टू 7 इन 2017। और इस खराब परफॉर्मेंस के बाद राजस्थान ने ऑब्वियसली इनको 2019 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया, बट सबको चौंकाते हुए 2019 ऑक्शन में राजस्थान ने फिर एक बार जयदेव को खरीदा। प्राइस 8.5 करोड़, मतलब IPL 2019 के सबसे महंगे प्लेयर। जयदेव को RR ने एक और मौका दिया जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि फिर से राजस्थान की उम्मीदों पर खड़े न उतरते हुए इस बार तो जयदेव की परफॉर्मेंस और भी खराब। 11 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 10 विकेट ली, वो भी एट एन एवरेज ऑफ 10.6, जो कि इनके IPL करियर की वन ऑफ द वर्स्ट ईयर थी, जिसकी वजह से ये 2019 के एंड में राजस्थान से भी निकाले गए। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद राजस्थान ने 2020 IPL में इनको नहीं खरीदा होगा, है ना? अच्छा चलो, लिया है तो बेकार परफॉर्म तो नहीं किया होगा इन्होंने। चाहे 2020 में राजस्थान ने फिर जयदेव को खरीदा हो, बट उस साल का सबसे वर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज मैक्सवेल टू पंजाब। लॉजिकली ये गलत डिसीजन तो नहीं था, पंजाब के पास बैटिंग की भरमार थी, KL राहुल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, उनको जरूरत थी तो बस एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर की जो कुछ मिडल ओवर्स निकाल दे एंड फिर एक फिनिशर का रोल भी पूरा करे। इसके लिए पंजाब ने करीबन 11 करोड़ में मैक्सवेल को खरीदा। 2020 सीजन में उन्होंने कुल मिलाकर 108 रन बनाए थे, वो भी एट एन एवरेज ऑफ 15। और तो और उस सीजन का उनका हाईएस्ट स्कोर था 32। अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी के लिए पिक हुए मैक्सवेल ने पंजाब के लिए एक भी छक्का नहीं मारा। मैक्सवेल की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि CSK के अगेंस्ट खेले गए ग्रुप स्टेज के लास्ट डू एंड डाई मैच में मैक्सवेल को बाहर बैठना पड़ा। जहां पंजाब ने एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर पर बैट ली थी, वहीं 2021 में RCB ने सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने काइल जेमिसन को 15 करोड़ में खरीदा था। 2021 IPL से पहले जेमिसन ने कोई भी डोमेस्टिक T20 मैचेस नहीं खेला था एंड T20I के 4 मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज थी। बट जेमिसन जाने जाते थे एज टेस्ट स्पेशलिस्ट। अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में इन्होंने 36 विकेट ली थी अपने पहले 6 मैचेस में विद इकोनॉमी ऑफ जस्ट 13। बस ये देख के RCB ने एक T20 रुकी प्लेयर पे 15 करोड़ लगा दिए। नतीजा, जेमिसन 2021 IPL सीजन में सिर्फ 9 विकेट्स ले पाए विद अ हाई इकोनॉमी ऑफ 9.6। ऑब्वियसली जिसके बाद RCB ने जेमिसन को रिलीज कर दिया था। यही सेम किया SRH ने 2023 में, जहां उन्होंने एक रूकी T20 प्लेयर पे 13 करोड़ खर्च दिए। बट उससे पहले बात करते हैं 2022 के सबसे बड़े ब्लंडर की, MI बाइंग जोफ्रा आर्चर फॉर 8 करोड़। इस डील में ब्लंडर ये था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही मना कर दिया था कि आर्चर 2022 IPL ऑक्शन में इंक्लूड तो हो सकते हैं, लेकिन वो 2022 IPL खेलेंगे नहीं। क्यों? जस्ट सो कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई जोफ्रा को खरीद ले, एंड ये जानते हुए भी MI ने जोफ्रा पर 8 करोड़ खर्च दिए, जो कि उनको लगा होगा कि एक जीनियस मूव है जो फ्यूचर में उनको काफी हेल्प करेगा, बट ये उन पर ही उल्टा पड़ गया। तो 2022 में तो MI ने जोफ्रा के बिना निकाल दिया, और 2023 में उन्होंने 5 मैचेस खेले जिसमें जोफ्रा ने सिर्फ 3 विकेट्स ली एट एन इकोनॉमी ऑफ 9.5। पिछले IPL के बाद उनको एक लॉन्ग टर्म इंजरी हुई, जिसकी वजह से MI ने उन्हें 2024 में रिटेन इन किया। तो बेसिकली 8 करोड़ बर्बाद। इसी तरह लास्ट ईयर SRH ने हैरी ब्रुक को 13 करोड़ में खरीदा था, जबकि SRH की बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी सॉर्टेड थी। इस परचेज को लेकर हैदराबाद पर काफी सवाल उठे थे, क्योंकि तब तक ब्रुक कोई एस्टैब्लिश्ड T20 प्लेयर नहीं थे। SRH ने इस बात का जस्टिफिकेशन देते हुए ब्रुक को एक प्रोजेक्ट प्लेयर कहा था। उनका कहना था कि ब्रुक फ्यूचर में एटलीस्ट अगले 5 साल तक इस टीम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन 10 महीने बाद ही SRH ने ब्रुक को रिलीज कर दिया। मिडिल ऑर्डर में खराब शुरुआत के कारण हैदराबाद ने हैरी को ओपनिंग पर भी ट्राई किया। शुरुआत में वो काम तो करा, क्योंकि अपने पहले ही मैच में बतौर ओपनर ब्रुक ने मैच विनिंग शतक लगाया अगेंस्ट KKR, बट इसके बाद वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि 2023 IPL में कुल मिलाकर ब्रुक ने 190 रन बनाए हैं, जिसमें से 100 रन तो सिर्फ एक मैच में आए थे, which is why he was the worst buy of IPL 2023। 2024 IPL धड़ल्ले से चल रहा है एंड प्लेयर्स के लिए टीम्स ने बेशुमार पैसे खर्च किए हैं, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या हर्षल पटेल। तो क्या लगता है इस IPL का वर्स्ट बाय कौन होने वाला है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।